वंस अगेन फॉर क्लास टू। हम लोग क्लास दो में साइंस में पढ़ रहे थे इनसाइड आवर बॉडी इंटरनल ऑर्गेन्स के बारे में। हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में कई पार्ट्स हैं, उसे हम ऑर्गेन्स कहते हैं या बॉडी पार्ट्स कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं शरीर के अंदर के कुछ पार्ट्स को, जैसे हम लोग स्टोमेक और लंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके पहले ब्रेन और हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग और दो पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स एंड बोन्स के बारे में। मसल्स को हिंदी में मांसपेशी कहते हैं, बोन्स को हिंदी में हड्डी कहते हैं। यदि आप गौर से अपने शरीर को छूकर देखें तो आपका शरीर ऊपर से सॉफ्ट महसूस होता है और अंदर से कड़ा महसूस होता है। सॉफ्ट के नीचे कुछ कड़ा महसूस होता है। जो ऊपर में आपको सॉफ्ट महसूस होता है वह मांसपेशी है, मसल्स कहते हैं। जिसका सबसे ऊपर में त्वचा होती है, जिसको स्किन कहते हैं इंग्लिश में। इस मसल्स के नीचे जो हार्ड थिंग है वह बोन्स होता है, हड्डी होता है। आज इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट द मसल्स। मसल्स आर सॉफ्ट मटेरियल विच कवर आवर बॉडी। मसल्स हमारे शरीर को ढकने वाला वह पदार्थ है जो सॉफ्ट है। एंड आवर बॉडी इज ऑल्सो कवर्ड विथ स्किन। हमारा पूरा शरीर त्वचा से ढका होता है। स्किन इज ऑल्सो मसल्स। त्वचा भी मसल्स है और त्वचा के नीचे भी मसल्स होते हैं। मसल्स आर ऑल्सो फाउंड अंडर द स्किन, इट इज सॉफ्ट। नेक्स्ट बोन्स। बोन्स आर हार्ड एंड फाउंड अंडर द मसल्स। मांसपेशियों के नीचे हड्डियां पाई जाती है जो कड़ी होती है। हड्डियां कई होती है जो टुकड़ों में होती है। यू नो देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है ना, और सभी मिल करके शरीर का एक ढांचा बनाती है। द बोन्स फॉर्म ए फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का ढांचा बनाती है। और इस तरह से मसल्स और बोन्स दोनों मिलकर हमारे शरीर की बनावट बनाते हैं, निर्धारित करते हैं। यू कैन से दैट बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू आवर बॉडी, गिव शेप टू आवर बॉडी। एंड द सेकेंड फंक्शन इज मसल्स और बोन्स इज दैट इट हेल्प अस टू मूव। मसल्स एंड बोन्स हेल्प अस टू मूव। ये हमारे मूवमेंट में मदद करते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, सीटिंग, स्टैंडिंग, खड़ा होने में, चलने में, बोलने में, शरीर के किसी भी अंग को हिलाने डुलाने में बोन्स और मसल्स ही मदद करते हैं। ये इसके दो काम है। देयर आर टू फंक्शन ऑफ बोन्स एंड मसल्स। फर्स्ट, बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू द बॉडी। सेकेंड, बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस टू गिव शेप अप टू आवर बॉडी। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। एक और चीज आपको जानना है कि अपने शरीर के हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। यू मस्ट टेक हेल्दी फूड्स एंड डू एक्सरसाइज टू मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा हो रहा है। अब इसके आधार पर हम आपको कुछ वर्क दे रहे हैं। किताब स्कूल में आ गया है, बहुत सारे बच्चे किताब ले चुके हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ही किताब ले लीजिए। आज हम वर्क दे रहे हैं किताब से, बुक से, लेसन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पेज नंबर 14 पे। इसको आपको पूरा करना है। जब स्कूल खुलेगा तब हम लोग इसको चेक करेंगे।